नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। गुजरात के तट पर अरब सागर से पाकिस्तान के 10 नागरिकों को बीती रात तट रक्षक बल ने पकड़ा है। ये सभी यासीन नाम की नाव में सवार होकर आए थे। तट रक्षक बल ने एक ऑपरेशन के तहत इन्हें धर दबोचा। नाव को जब्त कर पकड़े गए पाकिस्तानियों को फिलहाल पूछताछ के लिए पोरबंदर लाया गया। बीते 2 दिनों के भीतर ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान की नाव को पकड़ा गया। इससे पहले शुक्रवार को भी बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में सीमा पर पाकिस्तान की नाव को पकड़ा था। एक अधिकारी ने बताया कि जाड़े के घने कोहरे का फायदा उठाकर रात में आने वाली ऐसी नावों के जरिए देश में ड्रग्स की खेप पहुंचाई जाती है। पिछले महीने भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर पाकिस्तानी नौका अल हुसैनी को भारतीय समुद्री सीमा में पकड़ा था। इसकी तलाशी में 77 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 400 करोड़ रुपए आकी गई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।